देखिए, हार्ड ड्राइव एक टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसको एक और नाम है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है HDD। इसका मीनिंग देख लीजिए, इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब कह रहा है कि एक हार्डवेयर पार्ट है, जैसे पीक में आपको दिख रहा होगा, डेट स्टोर और डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट मतलब क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए डॉक्यूमेंट हो गए, इमेजेस हो गया, ठीक है, वीडियोस हो गए, इवन कोई आपके एप्लीकेशंस हो गए, तो हाँ वो सब जो डेटा है यहाँ पे स्टोर करके हम रख सकते हैं। इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो रहता है, स्टार्ट फ्रॉम 250 GB से स्टार्ट होता है, अप टू 20 TB तक रहता है। ओके, तो ये इसका आउटर पार्ट है हार्ड ड्राइव का, और ये इसका इनर पार्ट है। देखिए इनर पार्ट में आपको एक डिस्क दिख रहा है, दैट इज मैग्नेटिक डिस्क है। ये डिस्क में जो है डेटा जो है वो रीड और राइट होता है। देखिए पेन ड्राइव भी एक टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसको हम कई और नामों से भी जानते हैं, डेट इज कॉल्ड एज फ्लैश मेमोरी ड्राइव भी हम इसको कहते हैं, थंब ड्राइव एंड इवन USB ड्राइव। इसका मीनिंग देख लीजिए, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसका कम रहता है, और इसका जो शेप है इस लुक लाइक अ पेन, है ना, इसे दिख रहा है पीक में, इसका जो शेप है पेन जैसा दिख रहा है, इस वजह से इसका नाम पेन ड्राइव हम इसको कहते हैं। डेट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर बाय USB पोर्ट। देखिए आपको पीक में दिख रहा हूँ एक USB पोर्ट, यहाँ पे हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो देख लेते हैं, तो ये स्टार्ट होता है 2 GB से, एट मीन्स GB, अप टू 2 TB, डेट मीन्स TB। देखिए सीडी रोम एक टाइप का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी रहता है वो 700 MB तक रहता है। आपको पिक में दिख रहा होगा सीडी रोम यहाँ पे, इसमें जो सरफेस है इसके यहाँ पे डेटा स्टोर करके रहता है, और जब अब इसको इंसर्ट करते हैं सीडी ड्राइव में, पिक में दिख रहा है सीडी ड्राइव, तो जब इसको इंसर्ट करोगे यहाँ पे, तो ये एक लेजर बीम है यहाँ पे लगा हुआ सीडी ड्राइव में, तो ये क्या करता है, पूरा जो डेटा है उसको स्कैन करता है, ठीक है, जो सरफेस में डेटा उसको स्कैन करता है, उसको रीड करता है, और हमें वो फिर मॉनिटर, दैट मीन्स हमारे स्क्रीन पे वो जो भी है वीडियो क्लिप हो या फिर कोई सॉन्ग हो, हम उसको देख सकते हैं। फिर इस बेस पे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दी रिसाइकल बीन इज एन एरिया इन विंडोज OS दैट कंटेन्स फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम दी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसाइकल बिन सबको पता है एक ऐप है ना, जो विंडोज में रहता है। बेसिकली इसका काम क्या रहता है, जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में ट्रांसफर हो जाती है या शिफ्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में कि जो फाइल हम डिलीट कर रहे हैं वो कहाँ से आती है, मतलब कौन से ड्राइव से आप वो फाइल डिलीट होती है, जैसे हार्ड ड्राइव से डिलीट हो रही है, या पेन ड्राइव से हो रही है, या फिर सीडी रोम से हो रही है। तो देखिए हार्ड ड्राइव हमने पढ़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव एक टाइप का क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो इनबिल्ट रहता है ना कंप्यूटर में, और जिस जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, लाइक इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, या फिर कुछ एप्लीकेशंस रह गए, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट है कि फाइल्स हम वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें कुछ फाइल का कुछ काम नहीं होता तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, और वो जो ऑटोमेटिक चली जाती है रिसाइकल बिन में। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या होता है, एक टाइप का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं इसको आप इसमें USB पोर्ट में कनेक्ट करते हो पेन ड्राइव को, और यहाँ पे जो फाइल रहेंगी पेन ड्राइव में, है ना, वो फाइल अगर आप डिलीट करते हो तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो पेन ड्राइव यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और जो लास्ट है CD-ROM, सीडी रोम भी देखिए यहाँ पे, जब सीडी जो रोम है आप जो सीडी इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, सीडी ड्राइव के थ्रू इंसर्ट कर रहे हो, तो वहां पे जो डेटा सीडी में जो रहता है, अगर आप उसको फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो परमानेंट वो सीडी से डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में ट्रांसफर नहीं होता वो भी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट, दैट इज ए वन ओनली, ये जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट द ICT कॉन्सेप्ट, सो प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।